नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक पेनी स्टॉक के बारे में, और पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए तो फ्यूचर में जो एथेनॉल अल्कोहल जो एथेनॉल अल्कोहल सबसे ज्यादा डिमांडेबल होने वाला है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कमेंट मतलब अनाउंसमेंट कर चुके हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर एथेनॉल जो है वो अभी 10% के आसपास यूज किया जा रहा है, उसके बाद 20% यूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट 50% तक यूज करेंगे। तो देखिए, इतने ज्यादा अगर यूज होंगे तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और एथेनॉल अल्कोहल बनाने में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ेगा। तो उस जो जितने सारे कंपनीज उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसका भी डिमांड बढ़ेगा। तो इसीलिए आज मैं स्पेनिश स्टॉक आपके सामने इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि इस कंपनी का डिमांड एट कमिंग फ्यूचर में किस तरीके से होने वाला है। ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को प्लीज, क्योंकि इसके में कुछ इंपॉर्टेंस हिडन बात मैं आपको बताऊंगा जो अभी से अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करें तो आपको अच्छा खासा एक धमाका रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स सारे अवेलेबल है। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी कौन सा है। कंपनी का नाम दिखाने से पहले मैं बात करूं कंपनी का सेक्टर के बारे में। तो कंपनी एक सुगर मतलब सुगर मैन्युफैक्चरिंग और चीनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो देखिए, सुगर से ही बनेगा इथेनॉल अल्कोहल, और इथेनॉल अल्कोहल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए अगर जितने सारे सुगर कंपनी है उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि सुगर ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सबसे ज्यादा आप जानते हैं ब्राजील से सुगर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। अगर ब्राजील ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो ग्लोबली मार्केट में वो बेचेंगे ज़्यादा, और वो कम दामों में बेचेंगे तो इंडियन मार्केट में शुगर की डिमांड कम हो जाएगा। तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ने यही सोचा कि इतना ज़्यादा शुगर अगर मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है मगर अगर उसको टाइम टू टाइम बेच नहीं पाया तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो उसका मतलब जो कंपनीज है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया, वो फैसला बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो फैसला क्या है? वो फैसला है इथेनॉल अल्कोहल, जो टोटली आपको मतलब गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के अलावा गाड़ियों में इसी तरीके से प्रोडक्ट यूज किया जाएगा एट फ्यूचर में। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस सेगमेंट में वो देखना बहुत जरूरी है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है बजाज शुगर। देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड एक्चुअली कंपनी का नाम है। कंपनी आज का कंपनी है, कंपनी 1931 से स्टार्ट हुआ था, इतना पुराना कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो फाउंडर है वो जमनालाल बजाज, और देखिए कंपनी के महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और कंपनी का जो एरिया जो जिस एरिया में कंपनी का प्रोडक्शन होता है वो है यूपी उत्तर प्रदेश में। तो कंपनी का जो डिटेल्स है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आप ध्यान से दीजिएगा, शुगर इथेनॉल और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिस्टिलरी एंड शुगर जो बाय प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी का टोटल एम्प्लॉय 7000 है, और वो भी 2021 के हिसाब से। तो देखिए, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जरूरत होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत होते हैं खेती में काम करने वाला, क्योंकि जब शुगर मैन्युफैक्चरिंग हो जाते हैं मतलब जो गन्ने का खेत जब उग जाते हैं तो उसके बाद उसको कटिंग करना, उसको लेकर वेयरहाउस तक लेके जाना, तो इस सारे प्रोसीड्योर के लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ता है। तो इतनी ज्यादा एम्प्लॉयज के होने के कारण कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस मार्जिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ, कंपनी की एक रिपोर्ट मैं आपको बता दूँ। कंपनी की टोटल कैपेसिटी है 1,37,000 टन, यहाँ पे टोटल क्रूज पर डे मतलब इतना कैपेसिटी कंपनी करते हैं। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है वो भी 14 लोकेशंस के ऊपर कंपनी का कैपेसिटी होता है, मतलब कंपनी 14 जगह पे खुद का मतलब शुगर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है और शुगर का भी प्लांट है। तो 18 किलो लीटर्स पर डे कंपनी कैपेसिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेंथ आपको पता है तो कंपनी के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो रही बात कंपनी का जो बिजनेस है वो एशिया का नंबर वन शुगर कंपनी कंपनी बता रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद भी कंपनी का हालत इस तरीके से क्यों हुआ वो हमको बता दूँ तो आप देखेंगे तो एशिया का नंबर वन एंड वर्ल्ड के नंबर 4 इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है। तो इतने बड़े कंपनी है, इतने पुराना कंपनी है, तो फिर भी आज हालत एक पेनी स्टॉक जैसे क्यों हुआ उसके पीछे भी लॉजिक है, मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से दीजिएगा कंपनी के जो कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन होते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कंपनी का जो टोटल जो मतलब
आपको एक मैप दिया गया है, उसमें आपके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद आपको मैं कहूँ तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के शुगर्स के ऊपर देखिए 76% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जेनरेट करते हैं। उसमें 13% कंपनी पावर सेक्टर के ऊपर, उसके बाद 11% आपको मतलब डिस्लरी के ऊपर, और बाकी जो है वो आपको शुगर में ही आपको इथेनॉल देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1800 करोड़ के आसपास, बहुत छोटा कंपनी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 1800 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 14 के आसपास है। कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 34 के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, चलो सब कुछ में वीकनेस में देखने को मिला। तो कंपनी में कर्जा भी देखिए 9.97 के आसपास है। कंपनी के हाथ में जो कैश है, नेट एनुअल इनकम वो 135 करोड़ के आसपास नेगेटिव में है। डेटोस डे के बारे में बात करें तो 4000 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्थ है। तो कंपनी के हर पैरामीटर देखा जाए तो उतना खास नहीं है, कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा है। फिर भी देखिए कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स यही बता रहा है कि कंपनी का जो इन मतलब कंपनी को जो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को सिर्फ के सिर्फ 30 पैसे यूज करना पड़ रहा है। तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको ध्यान दीजिएगा, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन हो रहा है, उसके साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेंटेन हो रहा है। तो एक टाइम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% के आसपास था, बीच में वो घट चुके थे और उसके बाद अभी 4% के आसपास देखने को मिला। कंपनी ने एक्स्ट्रा जो अदर्स इनकम है उसको ज़्यादा नहीं किया, तो इसलिए कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में चला गया। तो कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में ही दिखेगा, फिर भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया 5 साल और 3 साल में। तो कंपनीज के अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग है। एफआईएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है मगर डीएस के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग पहले था, 43% के आसपास, आज जो वो बन चुके थे 15% के आसपास। पब्लिक के पास भी 57% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। अगर मैं कंपनी के कुछ डेटा और भी आपको दिखा दूँ, जैसे आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफआईएस के पास सॉरी म्यूचुअल फंड वाले के पास अभी होल्डिंग ना के बराबर, मगर उसी तरीके से आप अगर आप एफआईएस को देखेंगे तो उसका डेटा आपको इंक्रीजिंग मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो प्रोमोटर ने क्या किया, प्रोमोटर एक गलती कर दिया, वो क्या किया, प्रोमोटर खुद का जो होल्डिंग है उसको 100% प्लेजिंग रखा। तो ये कंपनी के लिए एक बिग नेगेटिव पॉइंट है, बिग नेगेटिव पॉइंट। क्योंकि देखिए आज आपके पास मान के चलिए कोई घर है, उस घर को अगर आप गिरवी रखकर बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अगर कल बिजनेस ना चला तो वो घर तो चला जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि उसको तो अपने गिरवी रखकर काम कर रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो सेम टू सेम कंपनी में ऊपर अगर 100% के ऊपर कल क्लोजिंग है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। रही बात कंपनीज के ऊपर, तो कंपनीज के ऊपर एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, वो बात क्या है ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए कंपनी का कैश फ्लो का, देखिए कंपनी जितना कैश दिखा रहा है कि इतना पैसा आने वाला है, कंपनी के उतना ही पैसा आ रहा है हाथ में, अच्छा खासा पैसा टाइम टू टाइम आ रहा है। जितना ही कंपनी माल बेच रहा है उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। उसके साथ कंपनी के देखिए और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है कंपनी का रिजर्व। तो कंपनी का फिक्स एसेट, तो एसेट देखिए लगातार लगातार कंपनी का एसेट बहुत ज्यादा एसेट था, अभी वो एसेट को खरीदना कम कर दिया, तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस जरूर देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के और एक पॉइंट्स आपको बता दूं, कंपनी का कर्जा देखिए, कंपनी ने कर्जा कुछ नहीं लिया, छोटा मोटा कर्जा लिया, उल्टा कंपनी कंटिन्यूअसली कर्जे को रीपेमेंट कर रहा है। तो ये सारे बात यही मेजर करते हैं, कंपनी में बहुत ज्यादा अभी भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा अभी भी वीकनेस भी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी है। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के विजन के हिसाब से आप जरूर स्टेंथ जरूर स्टडी करिए, क्योंकि एक टाइम कंपनी का प्राइस कितना 450, 480 रुपीज, 480 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी आज सिर्फ के सिर्फ 14 रुपीज में चल रहा है। तो किस बेसिस में कंपनी का क्रैश हुआ है आप देख सकते हैं, तो किस बेसिस में कंपनी का हालत खराब हुआ है आप देख सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी हाई रिक्सी है, तो उस बेसिस के ऊपर कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो ऐसे नहीं कि कल जाकर ही कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे क्योंकि कंपनी पेनी स्टॉक है। तो देखिए आप अगर कहेंगे सर क्या फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना जरूरी है, मतलब निवेश करना सही होगा, मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ अभी भी बहुत वीक है। उस बेसिस में आपको धीरे धीरे करके कंपनी का करेक्शन देखने को मिला, अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा देखने को मिलता है
तब इस कंपनी के ऊपर जरूर आप फोकस रख सकते हैं। फिर भी अगर आप कहेंगे सर मुझे थोड़ा सा निवेश करना है, तो एकदम छोटा मोटा निवेश करिए, कल जाकर अगर वो पैसा डूब भी जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से निवेश करके आप छोड़ दीजिए। तो ये था कंपनी के अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।